गुड इवनिंग एवरीवन, निवेश के एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी इस सेशन को सुन सकते हैं और सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में आप अपने सवाल हमें चैट के माध्यम से भेज सकते हैं, जिन्हें सेशन के अंत में हम एक एक करके आंसर करेंगे। ये सेशन रिकॉर्डेड है और इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं वेज टू क्रिएट वेल्थ इन हार्ड टाइम्स के बारे में। सो एज यू ऑल नो, आज के समय में वेल्थ बिल्ड करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, चाहे वो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हो या फिर कोविड जैसी पैंडेमिक सिचुएशन से डील करने के लिए हो। वेल्थ बिल्डिंग एक सिर्फ फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बल्कि एक सेंस ऑफ फ्रीडम और सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ मिस्टर जी प्रदीप कुमार हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रदीप जी इस इंडस्ट्री का हिस्सा पिछले 30 वर्षों से हैं और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया यानी एम्फी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी रह चुके हैं। इसके साथ निवेश यानी हमारी कंपनी से को फाउंडर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर सीबीओ मिस्टर प्रदीप हसीन जी भी हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं, जो कि अंत में आप सभी के क्वेश्चंस को एक एक करके मिस्टर कुमार से पूछेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिस्टर कुमार से कि वो इस सेशन को आगे लेके जाए। ओवर टू यू मिस्टर कुमार। थैंक यू सुरुचि, थैंक्स वेरी मच फॉर हैविंग मी on your program. Thank you to Nivesh, Pradeep, everybody, and good evening to all the audience. आप देखेंगे तो आज माहौल ऐसा है मार्केट में और कई टॉपिक्स आ चुके हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा हो रहा है पिछले एक हफ्ते से। तो उसके ऊपर अभी काफी वेबिनार्स और डिस्कशन न्यूज रिपोर्ट सब चालू है, लेकिन ये सब नॉइस है। और वो जो निवेशक वेल्थ क्रिएशन करता है, पैसा बनाता है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत ये क्वालिटी का है, पेशेंस, क्षमा चाहिए। ठीक है, हमारा जो गोल है, हम फाइनेंशियल गोल कहते हैं, वो गोल के तरह, वो गोल पाने के लिए, वो लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरत चीज ये पेशेंस चाहिए। और मैं सब लोगों को, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स को बताता हूं, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता है उतना अच्छा होगा। क्योंकि हमसे जो, जब मैं किसी को बोलता हूं मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हूं, पहला क्वेश्चन ये है कि मार्केट कैसा है, अभी इन्वेस्ट करने का टाइम सही है क्या नहीं, अभी मार्केट एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन कैसा है। सो मेरा जवाब नॉर्मली ये है कि म्यूचुअल फंड में या मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम वो है जब आपके पास पैसा है, और रिडीम करने के लिए, निकालने के लिए टाइम वो है जब आपको पैसे की जरूरत है। ये दोनों पॉइंट के बीच में आप आपका निवेश के बारे में चिंता मत कीजिए, अपने पैसे को काम करने दीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट एस्टैब्लिश करने के लिए, उसका वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सिर्फ दो स्लाइड दिखाऊंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, मेरे पास आज दो ही स्लाइड है। तो मैं पावर पॉइंट का फैन नहीं हूं, तो इसलिए आज दो ही स्लाइड दिखाऊंगा आपको। तो मेरा पॉइंट ये है कि समझिए आप 2001 से लेके हर साल 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उस दिन इन्वेस्ट किया हर साल, जो वो साल का सबसे खराब दिन था, क्योंकि मार्केट सबसे ऊपर था वो साल का पीक डे में, मार्केट का पीक डे में आप इन्वेस्ट किया, 10 साल आप इन्वेस्ट किया और उसको फिर 10 साल छोड़ा, तो मतलब अपना ये पिछले January 31st को आप जो 10 साल 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 10,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया और उसको 10 साल, और आपका किस्मत इतना खराब था कि जिस दिन आप इन्वेस्ट किया वो दिन उस साल का मार्केट पीक था,
तो आपसे बेवकूफ इन्वेस्टर और यू नो अनलकी इन्वेस्टर हो ही नहीं सकता है, ऐसा है तो क्या हो सकता? आपका जो आप जो निवेश किया 10 लाख रुपया, उसका वैल्यू आज 71 लाख रुपया होता था। ये वर्स्ट केस सिचुएशन है। तो आप हर साल आप सबसे खराब दिन चुन के इन्वेस्ट किया होता, ऐसा किया तो आज आपका 10 लाख का वैल्यू 71 लाख होता था। और समझिए आपका स्किल बहुत अच्छा था, आपका टाइमिंग बढ़िया था और आपका किस्मत भी बढ़िया था, और हर साल आप सबसे अच्छा दिन मार्केट का लोवेस्ट डे चुन के आप इन्वेस्ट कर पाया तो क्या होता था? तो आपका 10 लाख का वैल्यू आज 1,14,00,000 होता था। तो हाँ 1.14 करोड़ 71 लाख से अच्छा है, बड़ा है, ये हो सकता है तो अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं कि रियल लाइफ में ये दोनों सिचुएशन असंभव है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको एक्सैक्टली मालूम है पीक डे क्या होता है, लोवेस्ट डे क्या होता है, ऐसा होता ही नहीं। हर आदमी ऐसा कोई किया तो, हर साल 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो ये 71 लाख और 114,00,000 के बीच में होता है आपका वैल्यू, क्योंकि ये नहीं होता, हो सकता है कि आपका किस्मत हर साल अच्छा था और हर साल खराब था। मोस्ट पीपल विल बी इन बिटवीन। सो बॉल पार्क एक अंदाज लेगा तो आपका 10 लाख का आज का वैल्यू 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास होता है। इसमें कमाल की बात यह है कि क्या किया आप? कुछ नहीं किया, टाइमिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप अपने पैसे को काम करने का वक्त दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप आज इन्वेस्ट करें, एक हफ्ते के बाद इन्वेस्ट करें, मार्केट का करेक्शन होने के बाद इन्वेस्ट करें, इसका मतलब इसका असर आपका इन्वेस्टमेंट में बहुत कम पड़ता है। सो ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर निवेशक को मैं बताता हूँ, हर एडवाइजर को बताता हूँ, क्योंकि एडवाइजर को बताना और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही जाके इन्वेस्टर्स को समझा सकता है। और एक एक चीज मैं आजकल देख रहा हूँ, क्योंकि एडवाइजर्स का रोल और महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्सिटी इतना नहीं थी, मार्केट में प्रोडक्ट्स कम थे और लोगों का एक्सपेक्टेशन भी इतना ज्यादा नहीं था। आजकल मार्केट भी कॉम्प्लेक्स हो गया, प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रोडक्ट्स है और ज्यादा बहुत सारे तरीके का डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आया है, और पब्लिक इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। तो इस टाइम में इन्वेस्ट एडवाइजर का, डिस्ट्रीब्यूटर का रोल और महत्वपूर्ण हो चुका है। अब देखिए, जो आदमी सिर्फ 1,000 रुपए का SIP करना है वो शायद जाके अपने आप कर देगा, लेकिन जो आदमी के पास ज्यादा पैसा है, और अंग्रेजी में कहते हैं ना व्हेन स्टेक्स आर हाई, उसी टाइम पे उनको एडवाइजर का जरूरत होता है, क्योंकि आप गलती करेगा तो उसका कीमत बहुत ज्यादा हो सकता है व्हेन स्टेक्स आर हाई। तो द रियल सीरियस इन्वेस्टर्स जो होता है उनके लिए आजकल डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और जब मार्केट वोलेटाइल होता है आप क्या करेंगे? अभी आजकल मार्केट वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब यह नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट वोलेटाइल का मतलब यह है कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। और आप पिछले हफ्ते देखा होगा, एक दिन मार्केट 3% नीचे गया, नेक्स्ट डे 3% ऊपर आ गया, क्या हुआ? फंडामेंटली कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा टाइम पे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए एक चीज मैंने देखा है, मेरा जो एडवाइजर है, ये 30 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद भी मैं भी एडवाइस लेता हूँ, मेरा भी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सब जानता हूँ और खुद कर सकता हूँ। पहली चीज ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरा भी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो
वो ये करता है कि मुझसे बैठ के यही करता है कि सर मेरा पोर्टफोलियो देखो, और वो मुझे बोलता है कि जब 2020 में मार्च में कोविड की वजह से करेक्शन हुआ, वो मुझे बोला कि सर मैं मेरे पास जितना पैसा है वो सब अभी लगा रहा हूं मार्केट में, फंड्स में। तो जब इन्वेस्टर खुद ऐसा करके वो कॉन्फिडेंस डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा करके इन्वेस्टर को वो कॉन्फिडेंस देता है, उससे निवेशक को इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, शांति मिलता है, वो हिलेगा नहीं। बिकॉज व्हेन आई नो दैट यू नो द पर्सन हु इज हेल्पिंग मी, माय डिस्ट्रीब्यूटर इज डूइंग एक्जैक्टली व्हाट ही इज एडवाइजिंग मी टू डू, तो चिंता की बात नहीं है। तो एक चीज ये है कि आपको ऐसा टाइम पे इन्वेस्टर का हाथ पकड़ के उसके साथ चलना पड़ेगा और उसका पूरा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप खुद क्या करते हैं, एक चीज ये है कि बात कर सकता है, लेकिन आप लोगों के बात पे मत चलिए। आप देखिए आपसे जो बात कर रहे हैं वो तो करते क्या। आई वॉज टोल्ड अबाउट दिस यू नो मेनी ईयर्स बैक, मैं एक यूएस का एक एडवाइजर से, एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वॉरेन बफेट के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं पूछा वॉरेन बफेट के बारे में, वो मुझे एक चीज बोला, वो मुझे अभी भी याद है, बोला कि प्रदीप आप ये डोंट सी व्हाट बफेट इज सेइंग, सी व्हाट ही इज डूइंग, दीज आर नॉट नेसेसरली द सेम। यू लुक एट हूएवर इज टेलिंग यू एनीथिंग, आप ये देखिए वो करते क्या, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप खुद लीड बाय एग्जांपल जो कहते हैं ना, आप एडवाइजर होके डिस्ट्रीब्यूटर होके आप अपने एग्जांपल से लीड कर सकता है, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दे सकता है, तो इन्वेस्टर 100% आपके साथ रहेगा और वॉलेटाइल टाइम, नॉर्मल टाइम, हर टाइम यू नो ही'ल बी विद यू और शी'ल बी विद यू। सो आई थिंक this is very important, being transparent, giving confidence to the investor is very important. Tell your own success story, aap kya kiya hai, aap kaise paisa banaya, khud ka success story, that is the most important thing. Main har advisor ka meeting mein jaake main yahi batata hu, kyunki main itna experience hone ke baad bhi mere paas information ki kami nahi hai, main khud advisor ka help leta hu, to mujhe aisa feeling hai. To आप नॉर्मल इन्वेस्टर जिसको इतना इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, उसको कन्विंस करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, काफी अपॉर्चुनिटीज आएगा, अपना इंडस्ट्री में एक्सप्लोसिव ग्रोथ होने वाला है। ये जो नॉइस होता है ना, ये सब आप इग्नोर कीजिए, अभी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसका चिंता मत कीजिए, लॉन्ग टर्म में इसका फर्क नहीं होता है। तो जो आदमी पैसा बनाता है वो पेशेंट इन्वेस्टर है, अपने पैसे को काम करने का वक्त देता है। तो प्रदीप विद दिस आई विल स्टॉप, और मैं ज्यादा टाइम क्यू एंड ए पे स्पेंड करना चाहता हूँ। श्योर 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 श्योर। सो थैंक यू मिस्टर कुमार फॉर योर इनिशियल ऑब्जर्वेशंस, और आपने बहुत सही कहा कि लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस लेवल पे आपने एंटर किया था मार्केट में पैसा डालने के लिए। यू नो एज दे से दैट टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड हैं। एंड वंस यू सेट दिस, मुझे एक एनालॉजी याद आई, हार्वर्ड ने एक बार एक रिसर्च किया था फिडेलिटी के लिए कुछ साल पहले, जहाँ पे फिडेलिटी जो एक दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल फंड मैनेजर हैं, दे वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि कौन लोग हैं ऐसे जो सबसे ज्यादा पैसा मार्केट से कमाते हैं। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये पता चले कि कौन है ऐसे लोग और वो क्या अलग करते हैं। तो हार्वर्ड डिड अ वेरी लार्ज स्टडी ऑन अ वेरी लार्ज सैम्पल साइज टू फाइंड आउट ग्लोबली कि कौन ऐसे लोग हैं जो मैक्सिमम पैसा वेल्थ स्टॉक मार्केट से कमाए। उसमें दो चीजें निकल के आई, दो तरीके के लोग थे। एक लोग वो ऐसे थे जिनको कुछ म्यूचुअल फंड यूनिट्स एज एन इनहेरिटेंस मिले थे अपने फादर या ग्रैंडफादर से या किसी से, और वो उसको भूल चुके थे। दे वर नॉट अवेयर कि इट वाज इनहेरिटेड, इट वाज गिवन टू देम एज एन इनहेरिटेंस, दे हैड फॉरगॉटन अबाउट इट।
The second set of people were those who themselves had invested somewhere, sometime, उन्होंने कभी invest किया था और वो again investment करके भूल गए थे. तो Howard went back to Fidelity and told them कि दुनिया में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया है एक रिटेल इन्वेस्टर, वो ये दो कैटेगरी के लोग हैं. एक जिन्हें इनहेरिटेंस मिला और भूल गए, और एक जिन्होंने डाला और भूल गए. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज विच यू ऑल्सो सेड कि आप कितने समय के लिए अपना निवेश कर रहे हैं वो सबसे जरूरी है. और हिस्ट्री यही बताती है इंडिया में पिछले 10 साल 20 साल 30 साल में अलग अलग टाइम पे लोगों ने अगर निवेश करके सिर्फ अपना पैसा छोड़ भी दिया होता, अगर सिर्फ इंडेक्स में भी छोड़ दिया होता, तो रिटर्न्स बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न्स हैं. ऑब्वियसली एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैव डन मच बेटर देन द इंडेक्स इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स. बट और बहुत सारे एडवाइजर्स हमारे यहाँ जब हम क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो हम बात करते हैं कि हम इस फंड में इन्वेस्ट कराएं या उस फंड में इन्वेस्ट करवाएं. वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट का कितना वॉलेट शेयर ला सकते हैं, उसको मुश्किल टाइम में कैसे हैंड होल्ड कर सकते हैं और कितने लंबे समय तक उसको उसका निवेश बरकरार रख सकते हैं. ये तीन फैक्टर डिटरमिन करते हैं कि अल्टीमेटली उसका क्या रिटर्न होगा और उसका सक्सेस उसके इन्वेस्टमेंट में उसको कितना मिलेगा. राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली प्रदीप, आई एंटायरली एग्री विद यू. क्योंकि आप देखिए, मैं हमारा जो यूनियन म्यूचुअल फंड में जहां मैं काम करता हूं, हमारा सारे एक्टिव फंड्स है, फिर भी मैं बताता हूं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप कौन सा फंड में इन्वेस्ट करें. सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप इन्वेस्ट करें. करेक्ट, इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को टाइम वक्त दीजिए काम करने का. कौन सा फंड है उसका असर कम पड़ता है. सबसे बड़ी चीज है कि आपको मार्केट में होना चाहिए. आप मार्केट के बाहर है तो आप गेम देखता रहेगा, बस आप खेलेगा नहीं. तो यू शुड बी इन्वेस्टेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. क्योंकि मार्केट में मैं ये चीज बताता हूं, आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है मार्केट से. फंड मैनेजर का रोल कम है, फ्रेंकली मैं बताता हूं. सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द मार्केट. ऐसा कोई फंड मैनेजर नहीं है कि मार्केट 25% नीचे गया और आपको 20% ऊपर रिटर्न देगा. ऐसा कोई फंड मैनेजर नहीं है इंडिया में. ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए अपना निवेशक का पैसा, और उसमें फिर आप फाइन ट्यूनिंग कर सकता है. हर इन्वेस्टर का प्रोफाइल देके, उनका होराइजन देके, कौन सा फंड ज्यादा सूटेबल है वो आप चूज कर सकता है. लेकिन पहली चीज ये होना चाहिए कि इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. क्योंकि मैं ये बताता हूं, मैं आपको वो चार्ट दिखाया ना, मैं आपको उसका रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, IRR के बारे में कुछ नहीं बताया. जानबूझ के ये नहीं बताया क्योंकि वो इररिलेवेंट है, उसका मतलब ही नहीं है. क्योंकि मेरा पैसा, मेरा आप समझो, मेरा एक्सपेक्टेशन था जब इन्वेस्ट किया, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे एक घर खरीदने का पैसा मिलना चाहिए और वो हो गया. उसमें मेरा फंड का रिटर्न 12.5% था या 10.9 था या 14% था, उसका क्या मतलब है? इन्वेस्टर ये सब देखता नहीं. उनका सबसे महत्वपूर्ण ये चीज होना चाहिए कि उनका जो गोल था, लक्ष्य था, वो प्राप्त करना चाहिए. वो होता तो फिर और कोई कंप्लेन नहीं होगा. करेक्ट, या दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. इनफैक्ट दैट्स मोर ऑन द इन्वेस्टर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी एंड हाउ पीपल थिंक. तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी IRR या परसेंटेज रिटर्न्स दिखता ही नहीं है. वो ये देखते हैं कि मैंने एक अपार्टमेंट 1 करोड़ का लिया और मैंने 2 करोड़ का बेचा, मुझे 1 करोड़ का मुनाफा है. वो कितने समय में आपने 1 करोड़, आपका 1 करोड़ 2 करोड़ हुआ, क्या आपका IRR है, आपके और क्या एक्सपेंसेस हैं, वो सब लोग कंसिडर नहीं करते हैं. पीपल थिंक लाइक दैट, राइट, विच इज ऑल्सो बिकॉज प्राइस डिस्कवरी इन रियल एस्टेट डजंट हैपन रियल टाइम एंड ऑन अ डेली डे बेसिस, एंड देयर इज नो इंडेक्स टू इवैल्यूएट इट. Whereas here, there's a price discovery mechanism which leads to people seeing all those numbers in front of them. So, I've always believed कि जब इंडिया में लोग इक्विटी को रियल एस्टेट की तरह सोचना शुरू करेंगे, that is when actually they will start making lot more money. I think you have touched on a point on which I feel very passionately, real estate investment. मैं
सब लोगों को बताता हूं मेरा जो सर्कल में है, रियल एस्टेट आप इन्वेस्टमेंट मत समझिए। मेरे मेरे हिसाब से आपको रहने का घर चाहिए तो 100% जाके ले लीजिए, आपको वेकेशन होम चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूं, मैं भी ये गलती किया हूं। 8 साल पहले एक छोटा सा फ्लैट लिया मुंबई में, यू नो, इन्वेस्टमेंट समझ के, और आज अभी बेचने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो बेचेगा तो भी जो प्राइस जो लोग बोल रहे हैं ना, उससे मुझे कोई कैपिटल गेन्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई गेन ही नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि समझिए, आपको 1 करोड़ का फ्लैट है या रियल एस्टेट है, आपको चाहिए 25 लाख रुपया, आपको तो अनबंडल नहीं कर सकते, आपको पूरा 1 करोड़ बेचना पड़ेगा। तो जब कैश हाथ में आते हैं ना, वो ऐसे ही मिल जाता है, नॉट बी एबल टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। और मेरा सबसे बड़ा कंप्लेंट रियल एस्टेट से ये है कि देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ सिटीजन है, उसको ओवरराइड बन रहे ग्रेट। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है रियल एस्टेट। राइट, एब्सोल्युटली, वेरी वैलिड पॉइंट। सो मिस्टर कुमार, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम लाइफ। कई महीनों से हमारा यही यही व्यू है कि मार्केट एक्सपेंसिव है निफ्टी लेवल पे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली करेक्शन होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट और मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू वो इन लाइन मूव करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अनोमलीज हो सकता है। तो हमारा व्यू अभी भी ये है कि मार्केट एक्सपेंसिव है, ओके? उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि चीप स्टॉक नहीं है मार्केट में, चीप स्टॉक होगा, लेकिन चीप कैसे बोलेंगे आप, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करेगा तो वो शायद चीप नहीं रहेगा, ठीक है? सिर्फ पी के ऊपर नहीं जाते हैं हम, हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल है फेयर वैल्यू। तो आजकल निफ्टी एक्सपेंसिव है, लाइक आई सेड, स्मॉल कैप मिड कैप आर मोर एक्सपेंसिव, इसीलिए हमारा फ्लेक्सी कैप फंड में हम ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन आजकल, यू नो, मोर देन 70-78% सॉरी लार्ज कैप में करते हैं। पहले यू नो अबाउट 1 or 2 years बैक हम 60 के नीचे करते थे, 60 के आसपास करते थे। तो आई थिंक इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगा, 100% रहेगा वॉलेटिलिटी, लेकिन आप 3 to 5 years से ज्यादा होराइजन है तो चिंता की बात नहीं। और लॉन्ग टर्म स्टोरी, इंडियन मार्केट का लॉन्ग टर्म स्टोरी जो कहते हैं इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट एक्सपेंसिव होने से यही है कि हमने थोड़ा फ्यूचर का रिटर्न आज बोरो किया है, तो जितना थोड़ा रिटर्न जो आगे मिलने वाला था हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो उसका मतलब है कि शॉर्ट मीडियम टर्म में आपको जो रिटर्न मिलेगा इक्विटी मार्केट से, फेयर वैल्यू ग्रोथ से थोड़ा कम रहेगा। फिर भी आपको 5 साल का व्यू है तो इक्विटी मार्केट विल गिव यू प्रोबेबली बेटर रिटर्न देन एनी अदर एसेट क्लास, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगा मार्केट में। फिक्स्ड इनकम बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ये इक्विटी से भी वॉलेटाइल है, क्योंकि आप जैसे आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट, 10-year इंटरेस्ट रेट हैव बीन गोइंग अप, उसमें भी काफी वॉलेटिलिटी रहते हैं। और अभी प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम जो अनाउंस किया है बजट में, बहुत ज्यादा है, जितना उम्मीद था उससे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ के आसपास है, 14.95। सो वो एक हेडविंड है। और क्रूड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस अभी भी काफी हाई है, और इन्फ्लेशन की वजह से यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, ये कंफर्म्ड है। तो सवाल ये है कि वो कितना बढ़ेगा 1 साल में, लेकिन यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंडिया में भी प्रेशर आएगा।
तो फिक्स्ड इनकम मार्केट काफी चैलेंजिंग है क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आने का संभावना बहुत कम है, हमको ऐसा दिखता नहीं। वॉलेटिलिटी थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा बट इवेंचुअली द ट्रेंड इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स। एक ही चीज इसको रिवर्स कर सकता है, एक ही फैक्टर जो हम अभी इंतजार कर सकते हैं वो है इंडियन फिक्स्ड इनकम का, इंडियन बॉन्ड्स का ग्लोबल इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्सेस में शामिल होना। लेकिन उसके बारे में ये बजट में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप कुछ नहीं लिया है, तो लगता है कि उसमें अभी भी टाइम लगेगा। वो जब होगा हमारा बॉन्ड मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अभी लगता नहीं इमीडिएटली होने वाला है। तो फिक्स्ड इनकम में प्रेशर है इंटरेस्ट रेट पे और इवेंचुअली ऊपर जाने वाला है, लेकिन इंडिया का सिचुएशन यूएस जैसा नहीं है क्योंकि हमारा ग्रोथ अभी भी पूरा रिकवरी नहीं हुआ है। आरबीआई और गवर्नमेंट को ग्रोथ की काफी चिंता है, यूएस जैसा नहीं है। यूएस में अभी ग्रोथ बढ़ रहा है, उनका ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं, उनका एम्प्लॉयमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो उधर इकोनॉमी का ओवरहीटिंग का चिंता है उनको। यूएस में जब वो 7% इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं और उसका कंपेरेबल इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में शायद 15% होगा, हम वो लेवल पे नहीं पहुंचा है, हमारा इन्फ्लेशन अभी भी 6% के आसपास है। तो हमारा उम्मीद ये है कि इंटरेस्ट रेट इवेंचुअली जाएगा ऊपर, लेकिन उतना जितना प्रेशर यूएस में है उतना प्रेशर हमारे मार्केट में नहीं है। सो इन्वेस्टर क्या कर सकता है? इन्वेस्टर के लिए जो फंड जिसमें वॉलेटिलिटी कम रहने वाला है, वॉलेटिलिटी कैसे कम होता है, जिसका ड्यूरेशन कम है, जैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है और आप शॉर्ट टर्म फंड में भी लिक्विड ओवरनाइट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसका रिटर्न आजकल बहुत कम है क्योंकि लिक्विडिटी अभी भी काफी है, तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का काफी चांसेस अभी नहीं है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या मीडियम ड्यूरेशन फंड रेकमेंड करते हैं, मोस्टली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। और आप और अदर बॉन्ड फंड देखेगा तो भी उसमें जो मिडिल ऑफ द रेंज है ना, जैसा 5 ईयर अप्रोक्सीमेटली वो ड्यूरेशन में, वो एक स्वीट स्पॉट दिखता है हमको आजकल, क्योंकि शायद इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर भी 25-50% ऊपर जाएगा तो भी आपको जितना अक्रूवल मिलता है वो अक्रूवल से इसका कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो हमारा जो फंड है डायनेमिक बॉन्ड फंड, हम वहां पोजिशन किया है मोस्टली, बट ये स्पेस आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जिस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है, 5 साल या 6 साल 4 साल के ऊपर है, आपको शायद अवॉइड करना ही अच्छा होगा, थोड़ा मीडियम या लो एंड पे आना ही अच्छा होगा ये कंडीशन। राइट, थैंक यू। एक पॉइंट है मिस्टर कुमार कि ग्लोबली अगर आप देखें और इवन इंडिया में भी अगर आप देखें, whenever there is a very large IPO which is coming, now we have the LIC IPO scheduled for next month, then typically वो market का एक top बन जाता है। तो if we look at Reliance Power or Coal India, some of these IPOs in the past, whenever these IPOs came and they were the largest IPOs during that time, वो एक market का short term top बना। तो अभी market में क्योंकि retail participation direct stocks में इतना बड़ा है पिछले 3 साल में, पिछले 3 से 5 साल में, तो ये जो अभी LIC IPO आने वाला है, एक धारणा मार्केट में ये है कि ये शायद मार्केट का एक इंटरमिटेंट टॉप होगा, पोस्ट विच द मार्केट्स विल करेक्ट सिग्निफिकेंटली। नाउ नो वन कैन गेस व्हेन, वेदर इट इज गोइंग टू हैपन नॉट हैपन, बट व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सी प्रदीप, ये शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। करेक्ट। ओके, जैसे मैंने पहले बताया, मार्केट उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ही है। ठीक है, तो दो चीज हो सकता है, क्योंकि जब आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और आपका प्राइस में गैप है,
एक चीज ये हो सकता है कि प्राइस करेक्शन होगा, प्राइसेस नीचे आएगा क्योंकि मार्केट में प्राइस करेक्शन हो सकता है। दूसरी है कि जो हम टाइम करेक्शन बोलते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम तक मार्केट प्राइस फ्लैट रहेगा तो इवेंचुअली यू नो इट विल कैच अप विद द फेयर वैल्यू। ये दोनों चीज हो सकता है। ओके, शॉर्ट टर्म में ये कैसे होगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन एक चीज हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आज का जो वैल्यूएशन है ये फंडामेंटल फैक्टर से इसका जस्टिफाई करना मुश्किल है। तो इधर टाइम करेक्शन नहीं तो प्राइस करेक्शन, इसमें एक तो होने वाला है। ओके, तो तो इन्वेस्टर की तरह से देखेगा तो सॉरी एवरी करेक्शन इफ देयर इज अ करेक्शन वो इन्वेस्ट करने का एक मौका समझ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हर मौके पे इन्वेस्ट कर सकता है। राइट, ग्रेट। इन दीज टाइम्स इज व्हेन एसेट एलोकेशन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर टाइम। बिकॉज होता क्या है, पिछले अगर हम 4 या 5 साल में देखें तो मार्केट जो है एक ही तरीके से बढ़ता रहा है एक आध साल बीच में छोड़कर। तो ऐसे टाइम पे अगर आप इन्वेस्टेड रहे इक्विटी में, आपने शायद अगर एसेट एलोकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया, दैट वुड हैव स्टिल सर्व्ड यू गुड बिकॉज मार्केट्स हैव रन अप एंड दे मेड रिटर्न्स फॉर यू। बट आने वाले समय में अगर हम ये कह रहे हैं कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा और मार्केट्स एक्सपेंसिव भी हैं, वोलेटाइल भी हैं, तो एसेट एलोकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले 1 से 2 साल 1 से 3 साल में, जहां रिटर्न्स के पहले कैपिटल प्रिजर्वेशन इज गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हाउ आर यू गोइंग टू एलोकेट योर क्लाइंट्स पोर्टफोलियो, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज एज वेल एज न्यू पोर्टफोलियोज, दैट विल बी वेरी क्रिटिकल। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस अराउंड दिस। एब्सोल्युटली प्रदीप, आई 100% एग्री विद यू। मेरा मानना यह है कि हर इन्वेस्टर डिफरेंट होता है और उसका यू नो रिस्क प्रोफाइल अलग होता है और उनका गोल्स अलग होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एडवाइजर का या डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। समझिए यू नो आई हैव अ डॉटर और मेरा गोल ये है कि उसको अभी आगे 10 साल में उसको US भेजना है, यूनिवर्सिटी उधर एजुकेशन करना है। उसके हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया, एवरीथिंग वर्कड आउट वेल, मार्केट परफॉर्म्ड, आई गॉट द रिटर्न, आई सेंट इट टू US। ठीक है, इन द सेम टाइम यू नो सपोज समबडी एल्स वॉज एबल टू यू नो सेंड हर डॉटर टू US और सेंड टू चिल्ड्रन टू US और यू नो वो US भेजा और एक गाड़ी भी खरीदा, I should not get worried. See, the point is, if you keep comparing, मेरा गोल तो हो गया, मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया, मैं खुश हूं, लेकिन दूसरा आदमी ना वो ज्यादा बनाया, आप ऐसा कंपेयर करते रहेगा तो यू विल नेवर बी हैप्पी इन लाइफ। एसेट एलोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, एसेट एलोकेशन से ये भी हो सकता है कि You may not get the highest return. Asset allocation का उसका मतलब ये नहीं कि आपको सबसे बड़ा return मिलेगा। आपको सबसे बड़ा return, ज्यादा return मिलना है तो आपको सबसे ज्यादा risk भी लेना पड़ेगा। Asset allocation इसीलिए कहते हैं, जो अच्छा advisor है वो investor का profile देखे, उनका लक्ष्य देखे, उनका goal क्या है वो देखे asset allocation करते हैं। So that is very important. आप क्यों invest करते हैं, आपको ये सोचना चाहिए, सिर्फ पैसा बनाने के लिए, मैक्सिमम पैसा, वो डिफरेंट गोल है। सी, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गेम, ये खेल नहीं है। तो आपका जो गोल है वो गोल के लिए, वो लक्ष्य के लिए सही एसेट एलोकेशन क्या है वो समझ के वैसे ही इन्वेस्ट करके एंड स्टिक टू दैट। राइट। मार्केट कहीं भी हो, जो भी होता है मार्केट में, आपका एसेट एलोकेशन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, आपका डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा आदमी जो करता है उनका स्टोरी अलग हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, बाकी लोगों के पीछे मत जाइए, अपना एसेट एलोकेशन, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान, अपना गोल के
हिसाब से चली। तो ऐसे टाइम्स में व्हाट इज योर एडवाइस दैट एडवाइजर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने क्लाइंट्स के साथ क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए, कंसिडरिंग द टाइम्स दैट वी आर इन एंड कंसिडरिंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन नियर फ्यूचर? तो कपल ऑफ थिंग्स, एक तो ये मैं पहले बताया, आप इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकता है, आप खुद क्या करता है ये आप अपना इन्वेस्टर को, कस्टमर, क्लाइंट को शेयर कर सकता है, तो उसका काफी इम्पैक्ट होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, काफी कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर को, तो दैट इज वन थिंग यू कैन डू। ओके, और सेकेंड थिंग इज थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर को भी देना चाहिए, क्योंकि आजकल इन्वेस्टर्स यू नो वो खुद भी काफी इंफॉर्मेशन इधर उधर से मिलता है, मैगजीन से, टीवी से, और कई इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा एडवाइजर है लेकिन थोड़ा मैं खुद करना चाहता हूँ, और उनका इनपुट्स आता है, तो उसको थोड़ा रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो इन्वेस्टर बोलेगा वो सब करना चाहिए, नहीं, लेकिन इन्वेस्टर के पास जो इन्फॉर्मेशन है, उनका जो प्रेफरेंस है, उसको आपको थोड़ा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि यही ट्रेंड है, क्योंकि शायद यू नो ऐसा इन्वेस्टर होगा वो 75% आपको देगा, 25% अपने हिसाब से करेगा, करने दो, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आदमी आपको पैसा देता है ना उसको बोलता है थोड़ा कंट्रोल मेरा भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकली इसे बिहेवियरल इश्यू है। Yeah. तो ऐसा मत बोलिए कि ना जो मैं बोलूंगा सब वैसा ही करो, वो शायद नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल काफी इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टर्स के पास, लेकिन जब वो देखेगा आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका एडवाइस से या जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर करेगा, तो इवेंचुअली उसको समझ में आएगा कि आपके पास ही आना चाहिए। राइट, तो लेकिन लेकिन थोड़ा गलती उसको करने दीजिए। राइट 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 Absolutely. So, in fact, I was just having a conversation with a couple of very old IFAs in the industry last week. All of them manage about 2,000, 3,000 crores of assets individually. And wo main hamare jitne advisors hain, unke saath bhi share karna chahunga. So, last week when I was having a discussion with them, I asked them ki aap kya kar rahe hain abhi apne clients ke saath? Aap kya kaisa manage kar rahe hain, kya kar rahe hain? तो दे सेड दैट हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं करने का टाइम है, जब हमारा काम करने का टाइम अभी आने वाला है, जब मार्केट करेक्ट होंगे, सिग्निफिकेंटली करेक्ट होंगे, तब हमारा टाइम आएगा देखने के लिए कि हम और पैसा कैसे एलोकेट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स का है, उस टाइम पे ऑनेस्टली एडवाइजर का रोल कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, बट एडवाइजर का रियल सिग्निफिकेंस रोल का तब आता है जब मार्केट या तो करेक्शन हो, या वेदर इट इज अ टाइम करेक्शन और अ प्राइस करेक्शन, माने इन्वेस्टर को कुछ समय के लिए पैसा नहीं बन रहा, तब एक एडवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दैट इज अ टाइम व्हेन एक्चुअली यू नीड टू वर्क डबली हार्ड टू रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ योर क्लाइंट। एब्सोल्युटली। So, what do you think, Mr. Kumar, right now are the key risks to the market? We obviously have an inflation which is likely to shoot up. You have the Russia-Ukraine situation, which no one knows what's happening there, how is that going to evolve, and what the Fed has in its mind. They've already told, so we do know a trajectory there. So, while these are some of the things which I have spoken about, आपके हिसाब से मार्केट में अभी क्या क्या रिस्क्स हैं और उनको आप कैसे देखते हैं? मार्केट में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिस्क आई वुड थिंक इज वैल्यूएशन एज फार एज इक्विटी मार्केट इज कंसर्न। सो वैल्यूएशन, जैसे मैंने बताया, वैल्यूएशन इज एक्सपेंसिव, तो वो रिस्क है। दूसरी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, मैं इसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अपना कन्वेंशनल विजडम ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वो इक्विटी मार्केट के लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका काफी नॉक ऑन इफेक्ट होता है।
और इंटरेस्ट रेट हमारा जैसे मैंने बताया इंडिया में शायद ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। तो उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, बढ़ाते हैं, तो डॉलर स्ट्रांग होता है, और जब डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपी वीक होता है, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है उसकी वजह से, क्योंकि इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव होता है, हम काफी क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, और क्रूड ऑयल का प्राइस भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अभी जो यूक्रेन में जो होता है उसके कारण और कोई कारण के वजह से अगर क्रूड ऑयल 100, 110, 120 तक गया तो बहुत इम्पैक्ट हो सकता है हमारा मार्केट में। ये सब रिस्क फैक्टर्स है। लेकिन एक और चीज ध्यान में रखना चाहिए कि सब लोग कहते हैं कि अभी जो आरबीआई ने जितना सेंट्रल बैंक्स ने जितना पैसा पंप किया, लिक्विडिटी बढ़ाया मार्केट में कोविड के बाद, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ऐसा इकोनॉमिस्ट को पूछेगा तो कन्वेंशनल विजडम यही है। दो तरह का इन्फ्लेशन होता है, एक तो प्राइस इन्फ्लेशन, ठीक है, हम जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई वगैरह देखता है, तो प्राइस इन्फ्लेशन इज पॉसिबल क्योंकि आपका इनपुट कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है, ओके, और उसके कारण काफी कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट्स का प्राइसेस बढ़ाते हैं। दूसरा इन्फ्लेशन जिसके बारे में ज्यादा बात लोग नहीं करते हैं, एसेट प्राइस इन्फ्लेशन, क्योंकि जैसे 2007-8 में हुआ था, स्पेशली यूएस में हुआ था सबप्राइम टाइम पे, चीप मनी होने के कारण एसेट प्राइसेस बढ़ गया, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, सब चीज का दाम बढ़ गया, तो दैट इज अ मोर डेंजरस थिंग, ठीक है, क्योंकि उससे नुकसान, काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे रियल एस्टेट बबल बर्स्ट हुआ, लोगों का कितना नुकसान हुआ। तो हमारा मार्केट जैसे मैंने बताया एक्सपेंसिव है, लेकिन हम बबल जोन में नहीं है, तो एसेट प्राइस बबल फॉर्म नहीं हुआ है इंडिया में, वो एक बड़ा कंफर्ट है हमारे लिए। इन्फ्लेशन, हमारा जो इन्फ्लेशन है, मुझे लगता है कि यूएस जैसा वरीइंग नहीं है। तो यूएस में जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद चल रहा है, फेड का टाइटन करने का, बहुत जल्दी टाइटन करने का बात चल रहा है, मुझे लगता है इंडिया में वैसा नहीं होगा, बढ़ेगा लेकिन ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो अभी ये सब रिस्क फैक्टर्स है, फिर भी द पॉजिटिव फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। आवर गवर्नमेंट एंड आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक आर टेकिंग अकोमोडेटिव स्टैंड्स, ग्रोथ इज येट टू कम। अभी कैपिटल, अनदर थिंग इज अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू इंक्रीज, गवर्नमेंट हैज पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बजट। तो पहले गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंस होगा, दैट फर्दर नेक्स्ट राउंड में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो आई एम सीइंग वेरी गुड ग्रोथ स्टोरी फॉर द नेक्स्ट 5-10 इयर्स। ग्रेट, या थैंक्स। सो वी विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द Q&A एंड द चैट नाउ। सो आई वुड अर्ज ऑल लिसनर्स, आप अपने सवाल Q&A या चैट में डाल सकते हैं, एंड वी विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। सो वी विल स्टार्ट टेकिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम द चैट। या So Mr. Surendra Kesari is saying that, are you saying 100,000 every year for 10 years? I think he is referring to the slides that you had shown. Yes. So if you could just answer this. Yes, that's correct. Correct. So Mr. Kesari, it was 100,000 every year for 10 years, which Mr. Kumar had shown in the slide. So and I just taken... Sorry, please go ahead. No, I just taken actual nifty returns only. Okay. You've taken the nifty returns. Just nifty returns. So it says that at the rate of 12% returns, it's only 18 lakhs after 10 years. This is compound rate ka kamal. Correct. See, you have given time to money. Kyunki aapka pehle ka 1 lakh hai na, usko 20 saal ka time mila hai. Correct. Next 2 lakhs has got 19 years like that. So, ये compound interest का कमाल है। Correct. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि IRR के पीछे मत जाइए। Yeah. Mr. Pankaj Patil is asking that should we go for lump sum or SIP? See, ये
इन्वेस्टर की प्रेफरेंस के ऊपर सॉरी जो ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी सबसे बेस्ट है, वाइडली एक्नॉलेज्ड है, लेकिन आपके पास अभी लमसम है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अ 6 month एसटीपी। एसटीपी अच्छा रहेगा क्योंकि अभी वोलेटाइल टाइम्स आने वाला है, तो मोस्ट इन्वेस्टर्स के लिए 6 month एसटीपी सबसे अच्छा रहेगा। ओके, रुचि छाबरा इज आस्किंग दैट इफ समवन हैज अ टाइम फ्रेम ऑफ मोर देन 10-15 इयर्स देन कैन ही इन्वेस्ट इन लमसम विदाउट वरीइंग ऑफ ओवरवैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सी इट डजंट मैटर एट ऑल इफ यू हैव 10-15 इयर्स होराइजन, इन्वेस्ट, गो टू स्लीप। या एब्सोल्युटली। मिस्टर उमेश घासवाला इज आस्किंग दैट लुकिंग एट द मार्केट वैल्यूएशन व्हिच इज अ की कंसर्न and we do have various events, Fed rate hike, election outcome, LIC, IPO and our policy. Tactically, should investors go on the sideline and wait for correction before allocating in lumps? So, I want to make 2 points here. One is that, you know, while it is easy to think that you will act very smart and do tactical calls, a tactical call lena bahut mushkil hota hai. Kyunki, jab इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम आता है शायद आपको हिम्मत नहीं होगा। 23rd March 2020 अभी यू नो इन द लास्ट सो मेनी इयर्स इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन दिन था, मार्केट का बॉटम था, कितने लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस था, हिम्मत था कि जाके यू नो लमसम इन्वेस्टमेंट किया। उस दिन हमारा जो मिड कैप फंड है यूनियन म्यूचुअल फंड का, उसका फर्स्ट डे था इन्वेस्ट करने का 23rd March और मार्केट वॉज करेक्टिंग एंड पीपल टोल्ड अस दैट यू नो बॉस डोंट गो एंड इन्वेस्ट, वेट वेट वेट। लेकिन हमारा फिलोसफी है कि हम टाइमिंग की यू नो चिंता ही नहीं करते हैं, वी नेवर ट्राई टू टाइम, वी सेड व्हेनेवर वी लॉन्च अ न्यू फंड 1 day 2 days में वी विल इन्वेस्ट ऑल द मनी एंड वी इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ द मनी ऑन 23rd, कुछ बचा था वो 24th को कर दिया। वो टाइमिंग इसलिए हुआ कि इमोशन वॉज सेपरेटेड। अब लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास इमोशन बहुत पावरफुल होता है, तो जब टाइम सही टाइम आता है ना, पीपल डोंट हैव द करेज। सो ऐसा मत सोचिए कि सही दिन सही टाइम पे आप जाके सही चीज करेगा, होता नहीं रियल लाइफ में। पर सकता है तो अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एसपीपी या एसआईपी इज द बेस्ट थिंग टू डू। करेक्ट। एंड ऑल्सो यू नो इट इज सेड दैट there is more money which is lost by being on the sidelines than actually being in the market, right? So I think it's important to be in the market, to be a player, because if you're not playing the game, you're anyways out, right? So that's what, you know, see, you can keep watching the game. That is also fun, but you not make money. Correct. Absolutely. Yeah, so Mr. Ram is asking that any ideas on how to convince clients. He's not elaborated it, but I believe what he's trying to say is that considering the market volatility and the highs, any thoughts you have that how should advisors be going out and convincing clients to invest? So, mere tarah se, I made an attempt. If you can, you know, if you liked the 2 slides I showed in the beginning, you can share, you know, that kind of thing with your customers also. Tell them that, you know, it doesn't matter when you invest. Invest karo. क्योंकि आप मार्केट देखता रहेगा तो देखता ही रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इन्वेस्ट करो, दैट्स वन। एंड सेकंड थिंग, प्लीज आई एम अगेन रिइटरेटिंग, व्हेनेवर पॉसिबल इफ यू कैन शेयर योर पर्सनल स्ट्रेटजी विद योर इन्वेस्टर। आप खुद क्या करते हैं? ठीक, जो आदमी यू नो वो करते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं ना, उसका क्रेडिबिलिटी ज्यादा होता है मार्केट में। तो वो एक चीज आप यू नो ध्यान में रखिए, वो आप कर सकता है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और काफी ऐसा यू नो एनालिसिस है हमारे पास भी है, चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूँ बाद में। उसका मतलब है कि यू नो ये टाइमिंग का कोई मतलब ही नहीं है। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, डोंट बॉदर। श्योर। आल्सो इट विल बी ग्रेट इफ यू कुड शेयर दोस स्लाइड्स विद अस एंड वी विल हैव इट डाउनलोडेड टू ऑल आवर पार्टनर्स। विल डू दैट, विल डू दैट। थैंक यू। The next is that Mr. Pradeep Batra is asking that for reasonable return in short period, say 1 to 2 years, where would you recommend for investment in present scenario? 1 to 2 years, you have
यू नो सम पॉसिबिलिटीज. एक चीज ये है कि आप आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज फंड आजकल यू नो मोस्टली लिक्विड या ओवरनाइट से ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं, आगे भी यू नो मिल सकता है, और उसको उससे आपको इक्विटी टैक्सेशन का फायदा मिलता है, क्योंकि यू नो शॉर्ट टर्म लेस देन वन ईयर आपको 15% ही टैक्स पड़ेगा और मोर देन वन ईयर आपको 10% ही टैक्स देना पड़ेगा. तो एक दो साल के लिए आर्बिट्राज फंड एक डिसेंट ऑप्शन है, नहीं तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन यू नो उधर भी वोलेटिलिटी का थोड़ा रिस्क तो है. अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टर्म फंड्स है, थोड़ा वोलेटिलिटी बॉन्ड मार्केट में रहेगा, तो आपको वो यू नो वो ध्यान से देखना पड़ेगा. माई बेस्ट रिकमेंडेशन वुड बी आर्बिट्राज फंड इफ यू हैव 1 to 2 year होराइजन. मोर देन 2 year, 2 to 3 year है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड सही रहेगा, इट्स अ गुड चॉइस. Right. एक और चीज प्रदीप, इफ आई कैन यू नो से, ये ऐसा कंडीशन में वन थिंग विच वी हैव बीन रिकमेंडिंग टू इन्वेस्टर्स, जो थोड़ा जो कंसर्वेटिव है, वोलेटिलिटी से डरता है, उन इन्वेस्टर्स के लिए हम बोलते हैं कि हाइब्रिड फंड्स, जैसा ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, वो एक अच्छा ऑप्शन है. क्योंकि मैं पहले जैसे बताया, मार्केट एक्सपेंसिव है, उसका मतलब ये नहीं कि और एक्सपेंसिव नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है. तो आप पूरा मार्केट से बाहर आके साइड में वेट करेगा तो जितना मार्केट में अपसाइड होता है वो आपको नहीं मिलेगा. बैलेंस एडवांटेज फंड ये ऐसा करता है कि जब मार्केट एक्सपेंसिव है इक्विटी एलोकेशन कम करता है, जब मार्केट वैल्यूएशन नीचे आता है अट्रैक्टिव रहता है इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाते हैं. जैसे हमारा यूनियन म्यूचुअल फंड में है, अभी इक्विटी एलोकेशन सबसे लो लेवल 30% पे है, क्योंकि हमारा व्यू ऐसा है कि मार्केट एक्सपेंसिव है. जैसे वैल्यूएशन यू नो नीचे आएगा, वी विल इंक्रीज द इक्विटी एलोकेशन. तो बैलेंस एडवांटेज फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें वॉलेटिलिटी कम रहता है. तो बैलेंस एडवांटेज फंड का पूरा फायदा आपको मिलना चाहिए तो आपको पूरा एक ऊपर नीचे का साइकिल देखना पड़ेगा, क्योंकि जब सेक्युलर बुल मार्केट, एक मार्केट एकदम ऊपर जाता है, बैलेंस एडवांटेज फंड अंडर परफॉर्म करेगा इक्विटी फंड से. लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है उनका लॉस कम होता है, तो उससे ज्यादा फायदा होता है बैलेंस एडवांटेज फंड को. उनका वॉलेटिलिटी कम रहता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन गिव वेरी गुड रिटर्न्स. तो जो इन्वेस्टर्स थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं, उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. मैं अपने सभी एडवाइजर्स जो हमारे पार्टनर्स हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ये कहना चाहूंगा, एक कॉल मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि पिछले 3 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स, इनकम फंड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स में इन्वेस्ट किया है. वहां मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता सकता हूँ कि इट इज राइट टाइम दैट यू शुड गेट दैट मनी मूव्ड आउट ऑफ एनी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, वेदर इट इज एन इनकम फंड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, to something like an ultra short term or maybe a short term duration fund, because interest rates have more or less bottomed out. यहाँ से आने वाले 3 साल में या 4 साल में interest rates के ऊपर जाने की ही संभावना है, और अगर वैसा होता है, जितनी fund की duration लंबी होगी वो funds आपको बहुत low return से negative returns देंगे. तो ये समय है कि आप long duration और government securities funds को switch कराएं और वहाँ पे asset allocation जरूर करें. We'll move on to the next question, which is from Mr. Ajay Kumari, saying that this time people are not very bullish. No one expected recovery like this. What's the market sentiment that you are getting? Are people very bullish on the street, or how is it? See, people are bullish. Again, it depends on, you know, what horizon you are talking about. Abhi, if you talk to me or my fund managers, we think about, you know, 5-10 years like that. So we are not worried. Abhi, if your objective is to make money in the next 3-6 months, then to I am not bullish. Mujhe koi idea hi nahi hai 3 mahine mein kya hone wala hai. So frankly bata raha hun. 3 mahina, 6 mahina, 1 saal mein kya hone wala hai, mujhe koi idea nahi hai. Mujhe koi parwah bhi nahi hai. Kyunki jo 1 saal ka investment hai, main arbitraj fund jaisa, you know, short term fund mein park kiya hun. Aur mera long term investment ko isse kuch fark nahi padta hai. Right. Mr. A. Hanumant Rao is asking that, sir, your view on infrastructure funds.
See, infrastructure as a sector is a good sector, and I think with all the emphasis that government is putting on building up the infrastructure, yes, sector काफी चल सकता है. It's a good sector. लेकिन मैं ये sector funds का उतना अच्छा fan नहीं हूँ. इसलिए कि लोग इन्वेस्टर को सेक्टर फंड्स रेकमेंड करते हैं जब स्टोरी अच्छा है, लेकिन कोई सेक्टर स्टोरी ऐसा नहीं है कि वो लंबा चलेगा. एवरी सेक्टर स्टोरी हैज अ साइकिल, और जब स्टोरी खत्म होता है ना, कोई इन्वेस्टर को ये नहीं बोलता है कि अभी स्टोरी खत्म, आप बाहर आओ. तो इसलिए आप सेक्टर फंड्स का लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखेगा तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है. जो आईटी फंड्स में इन्वेस्ट किया 2000 में, फिर इंफ्रा फंड में इन्वेस्ट किया, जो बीच में फार्मा फंड में, ऐसा काफी हुआ. फंड की खराबी नहीं है, लेकिन हमारा मेंटालिटी ऐसा नहीं है कि हम जब स्टोरी अच्छा है सब लोगों को बुलाते हैं, जब स्टोरी खत्म होता है किसी को ये नहीं बोलते कि आप बाहर जाओ. Correct. तो टैक्टिकल कॉल जो कहते हैं आप ले सकता है तो अच्छा है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के सेक्टर फंड में शामिल मत हो जाइए. Tactical call ले सकता है. Mr. Ram is asking that Global Innovation Fund of Fund में invest करना क्या सही है for next 5 years? See, मैं individual funds वो भी competitors का fund के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको इतना बोलूंगा कि Union Mutual Fund एक innovation fund का filing किया है. जैसे SEBI का approval आएगा, we will launch it. इसलिए कि हम अभी तक कोई सेक्टर फंड नहीं लॉन्च किया है. रीजन इज व्हाट आई टोल्ड यू, क्योंकि मैं ये देखा है कि काफी इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है सेक्टर फंड में. लेकिन इनोवेशन फंड के बारे में हमारा राय है कि वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल थीम है, क्योंकि आज आपको एक सेट ऑफ कंपनीज है जो इनोवेटर्स है, 3 साल के बाद दूसरे कंपनीज हो गए जो इनोवेटर्स हो गए. मार्केट में हमेशा इनोवेटर्स और डिसरप्टर्स रहेंगे. करेक्ट. वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल टीम होता है, वो अच्छा टीम है. श्योर. सो आई थिंक सुरुचि, वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ. हैव यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस? या, वी हैव. ओके, ग्रेट. सो इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस टुडे मिस्टर कुमार, एंड यू गेव अस वेरी इनसाइटफुल व्यूज, स्पेशली आई थिंक द कपल ऑफ स्लाइड्स दैट यू हैड शोन इन द बिगिनिंग. Very, 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 very relevant, and I think this is a message which all advisors should be taking to their clients. Right, that timing doesn't matter. Just stay put, stay invest, just invest and stay put. Right, that's more important. So it was glad for us to have you here with us, and thanks a lot. Thank you, Pradeep, Suruchi, everybody at Nivesh for giving me this opportunity. I very much enjoyed the conversation. I hope you found it useful. So thank you all. Thank you. Thank you, Mr. Pradeep Kumar, for joining in and sharing your valuable thoughts with us. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you, Mr. Pradeep Vaseem, for joining in and sharing your wonderful thoughts with us. Yeah. Thanks, Suruchi. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और इस कॉल की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी. सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.